नमस्कार, स्वागत है आपका ई न्यूज एमपी में। मैं आपके साथ अंशिता गुप्ता। शुरुआत करते हैं दिनभर की ताजा खबरों के साथ। संजय टाइगर रिजर्व की बाघिन T30 को करंट लगाकर हत्या एवं मृत शरीर को विच्छेदित कर शव गोपद नदी में प्रवाहित करने के आरोप में आज 6 आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवसर मनीष सिंह ने जेल भेज दिया है। एक आरोपी नाबालिग है जिसे बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। संजय टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर YP सिंह ने बताया कि विगत 5 नवंबर को मोहन रेंज की व्यासक मादा बाघिन गोपद नदी पार कर वन मंडल सिंगरौली के बंजरगी गांव में शिकारियों द्वारा शिकार के लिए फैलाए गए करंट में फंस गई थी, जिसके बाद में अपराधियों ने मृतक शरीर को कई टुकड़ों में विभाजित कर 5 बोरों में भरकर गोपद नदी के हथनी दह में फेंक दिया था। सभी आरोपियों के ऊपर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के 1972 की धारा के अंतर्गत आरोपियों को देवसर न्यायालय में पेश किया जाएगा। सीधी जिला पंचायत सभागार में कलेक्टर MR खान द्वारा जन सुनवाई में आवेदनों पर तत्काल निराकरण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को समय सीमा में संतुष्टिपूर्ण निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सहित जिला अधिकारी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि शासन के निर्देश अनुसार प्रत्येक मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दराज से आए लोगों की समस्याओं से रूबरू होकर कलेक्टर व संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा निराकरण किया जाता है। सीधी के प्रधान जिला न्यायाधीश अमिताभ मिश्र ने किशोर न्याय बोर्ड के नवीन भवन का रिबिन काट उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा शिविरों का आयोजन किया जावे। श्री मिश्र ने नवीन भवन किशोर न्याय बोर्ड का अवलोकन करते हुए कहा कि बोर्ड कक्ष में बालकों से जुड़ी पेंटिंग बनाई जावे, परामर्श कक्ष में बालकों की रुचिकर पुस्तकें रखी जावे, ताकि बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने वाले बालकों को ये एहसास ना हो कि न्यायालय में आए हैं। बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने वाले सभी बालकों को निःशुल्क अधिवक्ता एवं परामर्श की अधिक से अधिक सुविधा प्रदान की जावे। मझोली थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़का डोल ग्राम में एक 18 वर्षीय युवक की लाश सड़क किनारे मिलने की खबर है, जिसकी सूचना राहगीरों द्वारा पुलिस तथा मृतक के परिजनों को दी गई। जिले के मझोली थाना क्षेत्र अंतर्गत लगातार शव मिलने का सिलसिला जारी है। बीते एक पखवाड़े में सुनसान इलाके में 3 शव बरामद हो चुके हैं, जिसमें से 2 की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है, जबकि कल मिले शव की पहचान 18 वर्षीय प्रदीप सैन के रूप में हुई है। पूरे मामले में परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है, जबकि मझोली पुलिस द्वारा मामले की निष्पक्ष जांच जारी है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।